हाय गाइस माय नेम इज मुकुल चौधरी सो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग सेबी का जो न्यू मार्जिन आया है इससे आप बेनिफिट कर सकते हैं हेजिंग से ओके okay? सो so, बहुत लोगों की चीज़ पता नहीं है कि हेजिंग करनी कैसे एंड uh, वो लोग नेकेट पोजीशंस ले रहे हैं जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा लग रहा है सेम विद निफ्टी सेम विद बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलिंग ओके सो आज हम सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, uh, ये जीरोडा का टर्मिनल है एंड आई डोंट नॉट नो कि बाकी सारे ब्रोकर में अवेलेबल है कि नहीं बट जीरोडा में अवेलेबल है सो इट्स रियली नाइस सो आप जस्ट क्रिएट ए बास्केट एयर ओके नेम इट एनी थिंग अब यहां पर सबसे पहले हम पहले हम बैंक निफ्टी देखते हैं लेट्स से बैंक निफ्टी पैंतीस हजार पांच सौ का ओके नाउ, इफ आई वांट टू बाय अ फ्यूचर, ओके, डे में आपको अच्छी मिलेगी ओवरनाइट में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा बट इट्स हम ओवरनाइट ही देखते हैं कि आप ओवरनाइट लेके जाना चाहते हैं एट सो so, ओवरनाइट ले जाने के लिए आपको ये मार्जिन चाहिए ओके okay? और इसी में अगर हम इंट्रा डे देखते हैं तो इंट्राडे में आपको मार्जिन चाहिए थर्टी थ्री थाउजेंड ओके अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा मार्जिन कम हो जाए ओके okay? अब इसको हम हेज कर लेते हैं पुट के साथ तो थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव थर्टी फाइव है सो so, एक काम करते हैं थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड के पुट ले लेते हैं ओके okay. अब आप देखिए आपका फाइनल मार्जिन क्या है थर्टी फाइव थाउजेंड वन सिक्सटी बट रिक्वायर्ड मार्जिन अभी भी आपका वन फोर्टी वन है ओके okay. मतलब इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए तभी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अब ये क्यों है क्योंकि जिस लेग में सबसे ज्यादा रिस्क है वो आप पहले बाय कर रहे हैं ठीक है या सेल कर रहे हैं जो भी है फ्यूचर uh, ऑब्वियसली तो फ्यूचर में अगर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो आपका अनलिमिटेड रिस्क रहता है जब आप हेज करते हैं तो आपका रिस्क लिमिटेड हो जाता है तो अगर आप बस इस को ऊपर कर दें तो अब आपका रिक्वायर्ड मार्जिन भी थर्टी फाइव सिक्सटी है and that is not bad. Okay? आपको इवन इफ आपको पता है अपना डायरेक्शन एंड आपको हेच करने की जरूरत नहीं बट तो आपको अपना मार्जिन कम करना है आप दो से तीन लॉट खरीद लीजिए जिससे आपकी बात उतनी पड़ने वाली है सो दिस वे आप अपना मार्जिन को रिड्यूस कर सकते हैं अब ये चीज बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज में भी यूज की जा सकती है सो लेट से आपका व्यू है एक स्ट्रैडल की तरफ या फिर एक स्ट्रैंगल की तरफ ठीक है स्ट्रैंगल uh, में बेसिकली आप क्या करते हैं आप एक रेंज लेते हैं सो लेट से थर्टी फाइव फाइव थर्टी फाइव है हम लोग रेंज ले लेते हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड सी सीई एंड इसको हम करते हैं शॉर्ट एंड uh, आपका थर्टी फाइव थाउजेंड पीई इसको हम करते हैं शॉर्ट राइट right. अब आप देखिए इसके इसका मतलब ये है एनालाइज देख करते हैं

आपका लॉस अनलिमिटेड है ठीक है अब जहां पर ये मैक्स लॉस अनलिमिटेड हो जाता है वहां पर आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है अब हम क्या करेंगे हम इसको अह uh, हेज कर देते हैं अब लेट्स डू वन थिंग हमने वैसे भी 500 पॉइंट आगे लिया था आउट ऑफ द मनी हमने दोनों लिए हैं तो भाई काम करते हैं 36200 अह uh, सीई हम बाय करते हैं ओके okay? और अह uh, 30 4800 पी हम बाय करते हैं ठीक है अब आप देखिए आपका टोटल रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है पैंतीस हजार ठीक है बट जैसे मैंने आपको बोला कि जिन लेग्स में रिस्क पहले अगर आप उनको इनिशिएट पहले करेंगे तो मार्जिन उनके हिसाब से लगेगा तो अब आप क्या करेंगे आप बाय वालों को पहले डालेंगे ठीक है अब आपका रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है ये. आ, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ ड मार्जिन थर्टी सेवन थाउजेंड नॉट बैड आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्वियसली अफेक्ट होगा अब आप देखिए आपका मैक्स लॉस जो है वो लिमिटेड हो गया है टू वॉट ट्वेंटी फोर सिक्सटी वन और आपका मैक्स प्रॉफिट आठ नौ हजार से कितना आ गया है पच्चीस सौ बेस्ट पार्ट यह है कि पच्चीस सौ एक्सपेक्टेड है जो आप कमा पाएंगे अगर मार्केट आपकी क्लोज होती है थर्टी फोर नाइन हंड्रेड टू थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है तो रेंज काफी बड़ी हो गई थर्टी सिक्स तो रेंज आपकी बहुत बड़ी हो गई तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहती है तो ये आप प्रॉफिट कमाएंगे ठीक है और अगर रेंज, रेंज के बाहर जाती है तो आपका मार्क्स लॉस जो होने वाला है वो ट्वेंटी फोर सिक्सटी है तो जब आपका लॉस डिफाइंड होता है तब सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपको मार्जिन कम पड़ता है अगर आप उसको हेज प्रॉपर करके लेके चले राइट So, ये अब आप इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं जैसे bullish, आपको ये uh, side, आपका स्ट्रेटेजी आपको यूज नहीं करनी है और आप सॉरी बैंक निफ्टी में बुलिश है छत्तीस हजार तक या थर्टी सेवन थाउजेंड तक जाएगी बट आपको बाइंग नहीं करनी है आपको सेलिंग करनी है सो लेट्स थर्टी फाइव फोर हंड्रेड पुट आपने शॉर्ट की ओके okay. आपने शॉर्ट की एंड थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड पुट आपने बाय की फॉर हेच ओके सो ऊपर ले आते हैं अब आपका रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है रिक्वायर्ड मार्जिन है आपका इक्कीस हजार ठीक है मतलब तेईस चौबीस हजार रुपये रख लीजिए आप अब इसको एनालाइज करते हैं एनालिसिस के अंदर आप देखिए आपका मैक्स प्रॉफिट क्या है तेरह पचास मैक्स लॉस क्या है ग्यारह पचास पर लॉट ठीक है आप प्रॉफिट कब करेंगे जब आ, आपकी आ, ये थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड के ऊपर अगर मार्केट रहेगी तो आप प्रॉफिट करेंगे ठीक है थ्री थ्री फिफ्टी के ऊपर अगर मार्केट रहेगी तो आप प्रॉफिट करेंगे ऑल सो right. so, ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है ठीक है जिसको हम पुट स्प्रेड बोलते हैं बोल पुट स्प्रेड ठीक है तो ये एक तरीका है जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं और अगर हम इसको ओवरनाइट लेके जाते हैं तो ओवरनाइट के अंदर भी आपका मैक्स मार्जिन जो है वो अट्ठाईस हजार है तो आ, बेटर होगा कि आप इसको ओवरनाइट ही लेके जाएं बिकॉज इससे एक चीज अच्छी है कि आ, आप लोगों को जो ठीटा टिके है उसका बेनिफिट काफी अच्छा मिलने वाला है सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू सो so, अब जो मार्जिन आ गए जो रूल्स आ गए इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड फाइंड अ वे तो ये एक तरीका है फॉर रिटेल ट्रेडर्स कि वो किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं मार्केट के अंदर सो ट्राई टू फाइंड अ वे एंड आपको रास्ता दिखने लग जाएगा सो so, इसको यूज करिए दस बार प्रैक्टिस करिए देखिए कैसे लॉट्स बनाने हैं एंड वन मोर थिंग टू मोर थिंग सबसे पहले पहली चीज की जो भी आपका बाय लेग होगा वो हमेशा ऊपर आएगा आप आप उसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ एंड कभी भी कभी भी अगर आप लेट से मार्केट ऊपर भाग रही है आपने सोचा कि मैं अपना हेज पोजिशन हटा देता हूँ कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा प्लीज ऐसा मत करिएगा अगर आपने ऐसा किया तो आपको नुकसान ही होने वाला है आपका मार्जिन बढ़ जाएगा ठीक है एंड अगर आपके पास मार्जिन नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगी कोई फायदा नहीं है ठीक है तो हमेशा इन दोनों को साथ निकालना है इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना टेढ़ी बुद्धि नहीं लगानी कि मैं एक को निकाल दूंगा ऐसे कर दूंगा एंड बहुत लोग क्या करते हैं पचास ऑप्शन एड कर देते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टिंग की मार्जिन बारह तेरह हजार हो जाएगा बट उनको पता ही नहीं है कि आ, उनका पीएनएल क्या होने वाला है ठीक है तो आप एनालाइज में जाके देखिए एंड जो भी पोजिशन आप उठा रहे हैं उसका मीनिंग होना चाहिए कुछ आपके पास उसको ब्लाइंडली प्लीज मत उठाइए सो ओके सो दिस इज वन थिंग यू कैन डू और अगर आपको लगता है कि मुझे सौ पॉइंट uh, पे हेज नहीं करना मुझे थोड़ा सा और डीप करना है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं हंड्रेड सॉरी थर्टी फाइव वन हंड्रेड की पुट आप इसके साथ हेज कर सकते हैं ओके okay? एंड uh, हम थ्री हंड्रेड देते हैं ऑलराइट तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट uh, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा एज वेल एज लॉस सो पहले अब आप ये देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमारा थर्टी टू सिक्सटी एट है और मैक्स लॉस जो है फोर्टी टू थर्टी थ्री है राइट सो right? so, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको क्या सूट करता है एंड उस उस हिसाब से आप प्ले uh, कर सकते हैं सो दिस इज इट फॉर द वीडियो सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट सब्सक्राइब इट शेयर इट विद यर फ्रेंड्स एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो